So dear student, welcome to my class. Today we will discuss about the specialty of carbon, why carbon is so special to give a huge number of compounds. Before starting our class, I will humbly request to all of you, kindly subscribe my channel in huge number and also press the bell icon. तो आज हम ये देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बनते हैं वो इसलिए बनते हैं क्योंकि कार्बन में कुछ स्पेशलिटी है। तो कार्बन की वजह से ये जो कंपाउंड स्पेशल बन इतने सारे कंपाउंड बनते हैं, तो कार्बन क्यों स्पेशल है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कार्बन इतना स्पेशल है, उससे पहले यह है कि कार्बन एसेंशियल है कंपोनेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बिना कार्बन के नहीं बनेगा। तो कार्बन की वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से कार्बन इतने ह्यूज नंबर में कंपाउंड्स बनाता है? तो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कैटामिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन, आइसोमेरिज्म, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनकी इन चार पांच वजहों से कार्बन जो है वो एक स्पेशल एलिमेंट बन जाता है जो इतने सारे ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कैटामिनेशन। Since carbon atom is just the right and small size to fit in comfortably as parts of very large molecules. This property is called catenation. जो ये प्रॉपर्टी कैटेनेशन की है, इसमें जो कार्बन का साइज है, जो कार्बन का साइज और उसका जो राइट शेप एंड साइज जो हम कह सकते हैं, वो इस तरह से है कि कार्बन बहुत कंफर्टेबली बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स में फिट हो जाता है एज ए पार्ट ऑफ इट, और आसानी से लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाता रहता है। हम पता है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनमें 100-100 एटम तक कार्बन के, 100 से ज्यादा एटम तक कार्बन के एक दूसरे से लिंक होके ह्यूज और लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दूसरा जो इसका कॉज है जिसकी वजह से कार्बन इतने ज्यादा नंबर में कंपाउंड्स बनाता है वो है हाइब्रिडाइजेशन।
कार्बन में sp, sp2 एंड sp3 तीनों टाइप का हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। तो कार्बन में तीनों तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, डबल बॉन्ड भी बना लेता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। कार्बन की ये स्पेशलिटी कार्बन चेन्स को बनाने में या साइक्लिक कार्बन बनाने में, कंपाउंड बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो इसके कारण जब जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, चार सिंगल बॉन्ड, जब sp2 में है तो ये डबल बॉन्ड बनाता है। इस केस में जो दो कार्बन है वो तीन तीन एटम साइज में तीन तीन एटम से अटैच हो सकते हैं, और जब वो sp बनाता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, उस केस में एक एक एटम से ये अटैच हो जाता है कार्बन के अलावा। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन और कैटेनेशन दो वो टर्म्स हैं जिनके बेस पे ये कंपाउंड्स बनते हैं बहुत लार्ज नंबर में। इसके अलावा एक और चीज है जिसे हम आइसोमेरिज्म के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है जिसमें एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिप्रेजेंट किए जाने वाले एक से ज्यादा कंपाउंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज इसलिए शो होती हैं क्योंकि उनका जो स्पेस में एटम का जो प्लेसमेंट है वो डिस्टिंक्ट होता है, यानी वो डिस्टिंक्टिवली प्लेस किए जाते हैं, एक दूसरे से अलग प्लेसमेंट है उनका स्पेस में, इसीलिए वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, और इस टाइप के फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म की वजह से भी जब एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले का यानी एक ही टाइप का कंपाउंड है लेकिन सिर्फ उसका अरेंजमेंट जो अलग हो गया उसकी वजह से अलग अलग तरह के कंपाउंड मिल जाए तो वो भी नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बढ़ा देते हैं। तो आइसोमेरिजेशन और आर द कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but distinct arrangement of atoms in space। आइसोमर डू नॉट सेसरली शेयर सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो C3H8O एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है,
ये कंपाउंड है वन प्रोपेनॉल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हाइड्रोजन है, वन टू थ्री कार्बन है एंड वन ऑक्सीजन है। इसमें भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हाइड्रोजन है, वन टू थ्री थ्री कार्बन है एंड वन ऑक्सीजन है। ये टू प्रोपेनॉल है, दोनों अल्कोहल है लेकिन एक और दूसरे से अलग है, इसलिए ये अलग अलग प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन से बनते हैं उनके इतने सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, या वो ह्यूज नंबर्स हैं जो ये कार्बन जिसकी वजह से बनाता है। इसके अलावा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एवरेज है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज एवरेज। जब कोई चीज बहुत ही हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव हो या हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो तो यह संभावना कम होती है कि वो दूसरे टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन करे। जो हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं जनरली वो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और इतने ह्यूज नंबर में बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते। यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से भी कार्बन के पास ये एडेड एडवांटेज है कि वो और ज़्यादा नंबर में कार्बनिक कंपाउंड्स बनने में फैसिलिटेट कर सके। तो हम देखते हैं ये कार्बन जो है वो अपनी चार पांच स्पेशल कैटेगरी की वजह से इतने सारे नंबर में फॉर्म करवा पाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ह्यूज नंबर में मिलते हैं। कार्बन के अंदर एक और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी ये भी है कि कार्बन एक दूसरे से जुड़ के, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ के एक ह्यूज चेन भी बना सकता है जो ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकती है, और इसके अलावा वो साइक्लिक यानी रिंग स्ट्रक्चर में भी जा सकती है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कार्बन जो अपनी इन प्रॉपर्टीज की वजह से इतने ह्यूज नंबर में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है उसकी वजह से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल टुगेदर डिफरेंट एस्पेक्ट या सब्जेक्ट की तरह पढ़ी जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आज का क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। यहाँ हमने कार्बन की उन स्पेशल करेक्टरिस्टिक को समझा जिनकी वजह से हम इतने सारे नंबर्स में कंपाउंड बनता देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।